इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड के दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी को चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों की मदद करने वाला भी पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ये गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। राजस्थान के DGP ने आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। 5 दिसंबर को सुखदेव गोगामेडी के घर में घुसकर गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई थी और अब उनके आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। दोनों आरोपियों की मदद करने वाला भी पुलिस की गिरफ्त में है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान के DGP की तरफ से भी इस गिरफ्तारी की पुष्टि की जा चुकी है। 5 दिसंबर को सुखदेव गोगामेडी के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही दोनों आरोपियों की तलाश तेजी के साथ चल रही थी और ऐसे में अब बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इन दोनों आरोपियों को चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से गिरफ्तार कर लिया है और इनके साथ ही इनकी मदद करने वाला एक शख्स भी पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि दिल्ली में फिलहाल इन दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और जो तीसरा शख्स है जिस पर मदद का आरोप है उसे राजस्थान पुलिस अपने साथ लेकर निकल गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है। दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और लगातार जानकारी इकट्ठा की जा रही थी, इनके लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। दोनों आरोपी चंडीगढ़ के सेक्टर 22A से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जिस तरीके से 5 दिसंबर को सुखदेव गोगामेडी के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से ही लगातार उनके समर्थक इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पहले पुलिस के साथ नोकझोंक की भी खबरें थी और उसके बाद दोनों के बीच, पुलिस और लोगों के बीच जब सहमति बनी तब जाकर उनके शव का अंतिम संस्कार हो पाया, क्योंकि लगातार मांग यही उठ रही थी कि इन आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों शूटर इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 5 दिसंबर का वो CCTV फुटेज भी आप देखिए जिसमें सुखदेव गोगामेडी के घर में घुसकर कैसे उनके सामने बैठकर वहां पर उनकी गोलियों से भूनकर इन आरोपियों ने, इन शूटर्स ने उनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद से ही इन दोनों आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई थी। पहले वो एक शख्स का स्कूटर छीनते हैं, स्कूटर से फरार होते हैं, फिर बस के जरिए दिल्ली रवाना हुए और इसके बाद आज देखिए बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ लग गई है, दोनों शूटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भवानी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। भवानी, कैसे गिरफ्तारी हुई, कहाँ से गिरफ्तारी हुई, क्या और डिटेल्स है इस खबर को लेकर? देखिए, दोनों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया और दोनों की कल लोकेशन शाम को हिसार बता दी थी। हिसार के बाद में दोनों चंडीगढ़ की तरफ भाग गए, तब राजस्थान पुलिस, राजस्थान के SIT की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम है, दोनों उसका पीछा कर रही थी और दोनों को फिर दबोच लिया गया। इसके अलावा इनकी एक मददगार था, उसको भी दबोच लिया गया और अब लाया जा, उनको दिल्ली लाया जा रहा। अब दिल्ली के अंदर उनसे पूछताछ होगी, पूछताछ के बाद में उनको फिर जयपुर लाया जाएगा और फिर जयपुर लाकर फिर उसके बाद में राजस्थान पुलिस दोनों से पूछताछ करेगी कि उन्होंने सुखदेव गोगामेडी की हत्या किसके कहने पर की गई है। अभी तक जो इनिशियल डिटेल्स है कि ये दोनों शूटर है वो लॉरेंस गैंग के शूटर है। जो नितिन फौजी है उनकी पहचान पहले से हो चुकी है, नितिन फौजी जो महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, एक जिसको गिरफ्तार किया गया है और दूसरा जो रोहित राठौर है, रोहित राठौर राजस्थान के मकराना का रहने वाला है और दोनों की पहचान पहले ही हो चुकी है और दोनों संपर्क में थे नवीन शेखावत के। अब जो सबसे बड़ा जो पुलिस को जिस बात का इंतजार है कि आखिर नवीन शेखावत के संपर्क में ये दोनों शूटर कैसे आए और नवीन शेखावत की क्या भूमिका थी। नवीन शेखावत वो शख्स है जिन्होंने इन दोनों शूटर को उससे मिलवाया था, सुखदेव गोगामेडी से मिलवाया था। तो अब सबसे बड़ी घड़ी जो अभी तक रहस्य बना हुआ है कि आखिर अगर ये दोनों शूटर, ठीक है भवानी, मैं दोबारा से आपका रुख करूंगी, कुछ और जानकारी भी आपसे हम लेंगे।